हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 23 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है। हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की बात करें तो हमने जब पीरियोडिक टेबल की स्टडी की है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे जैसे जैसे जिस लास्ट ग्रुप जो कि जीरो ग्रुप है उन एलिमेंट्स को अगर छोड़ दें तो लास्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ये ग्रुप जो 15, 16 एंड 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़ता है तो क्या होता है कि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन का भी सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ आकर्षित हो जाता है तो हाइड्रोजन के पास क्या बचता है? हाइड्रोजन के पास केवल एक पॉजिटिव प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस वाला एटम बच जाता है। और ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है किस पर? एडजेसेंट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और उस एटम के थ्रू एक और वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। वॉट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ता है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक हाइड्रोजन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब इन दोनों के बीच में कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि दोनों ही एटम्स के लिए यूजफुल हैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं आप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है दोनों ही एटम यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के लिए यूजफुल है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने उन इलेक्ट्रॉन्स को, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है तो उस मॉलिक्यूल पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाता है जहाँ पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ, अगेन हाइड्रोजन जुड़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ में, कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, एच जेड जेड जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेज आ जाते हैं। पार्शियली पॉजिटिव अगर हाइड्रोजन को कहा जाए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है तो हाइड्रोजन के पास में एक न्यूक्लियस है और वो पॉजिटिव न्यूक्लियस है। उस पॉजिटिव न्यूक्लियस के द्वारा एडजेसेंट जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर एक स्ट्रॉन्ग, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और इस वजह से एक वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि हम ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है, ये डॉटेड लाइन जो है, इसे कहा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जब हाइड्रोजन जुड़ता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, और साथ ही साथ जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइज भी डिपेंड करती है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो साइज है वो छोटी होगी तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये दो कंडीशंस हैं, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो साइज है वो भी छोटी होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, जहाँ पर हाइड्रोजन एक साइड से एक एटम से जुड़ा है कोवेलेंट बॉन्ड से और दूसरी साइड से जुड़ा है ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बहुत ही वीक बॉन्ड है कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड टू टाइप्स के हैं।
फर्स्ट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम्स है। कौन सा है ये मॉलिक्यूल? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम के साथ, फ्लोरीन जो कि पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम है, इसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा है HF। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ता है तो फ्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और ये क्या करता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अगर हम बात करें कि ये हाइड्रोजन अब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालेगा दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर और इसी के साथ ये डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है अगर हम देखें 1.55 एंगस्ट्रॉम आती है, जबकि ये कोवेलेंट बॉन्ड की जो लंबाई है, ये बॉन्ड लेंथ है, वो है 0.95 एंगस्ट्रॉम। हम देख सकते हैं कि इस लंबाई के अकॉर्डिंग, इस लेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ भी ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा है। अगर हम बात करें एक ऑक्सीजन, एक H2O मॉलिक्यूल और ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल, ये तीसरा H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, वहीं कि जहां ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करके डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू ये बना रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे बन रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज से अगेन दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। देख पा रहे हैं इस तरीके से इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एक और इसका एग्जांपल है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया जिसमें कि NH3, नाइट्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, जो कि 3 हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद में जब ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तब दूसरे मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन है उसके साथ में हाइड्रोजन अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये हुआ अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने तीन एग्जांपल्स देखे हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल। इसका दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको भी देख लेते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है? इट इज़ फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट बॉन्ड्स पे जुड़े हुए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं दो हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहाँ देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक बेंजीन रिंग के साथ में जब NO2 ग्रुप जुड़ा है और साथ ही OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से बॉन्डेड है और इस वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से बॉन्डेड होने की वजह से यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और इस वजह से ये अनदर उसी मॉलिक्यूल के दूसरे बॉन्ड पे जुड़े मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका दूसरा एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग के साथ में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सारे ही ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ अलग अलग बॉन्ड्स पर अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पर भी यही कंडीशन हो रही है कि हाइड्रोजन ऐसे एटम के साथ जुड़ा है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से ये जो है पार्शली पॉजिटिव फील करता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है पार्शली नेगेटिव फील करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है अनदर एडजेसेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर और इसी के साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने टू टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड देखे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर यानी जिसमें कि दो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है
और इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स पे जुड़े हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई विश बच्चों आपको इस पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पार्ट के साथ साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं बच्चों नए चैप्टर के साथ में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।